Press the bell icon and never miss an update from Tele Masala. खतरों के खिलाड़ी सीजन 8 के विनर शांतनु महेश्वर इज विद मी. मेनी कांग्रेचुलेशन शांतनु. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. मतलब वो नाम अनाउंस हुआ, हाउ वाज द, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं जीतूंगा या मेरा नाम अनाउंस होगा. सो जब सर ने अनाउंस किया तो मैं बिलीव नहीं किया. मेरे को लगा कि शायद चेंज करेंगे, ऐसा कुछ होगा, मेरे मन में वो चल रहा था. बट या मतलब आफ्टर द ब्लास्ट कन्फेटी तो बोला हाँ इसके बाद तो कन्फर्म है कि अब चेंज नहीं करते हैं उन लोग जनरली नहीं. सो या दैट्स द टाइम आई रियलाइज एंड धीरे धीरे सिंक इन हुआ. मेरे को एक्चुअली बिलीव नहीं हो रहा था कि आई हैव वन द शो एंड द टाइटल. सो या अच्छा आज उस दिन की याद आती है जो फर्स्ट डे था शो का, पहला स्टंट याद आ रहा है. या या आई स्टिल रिमेंबर वो रोंडा ब्रिज के ऊपर मुझे वॉक करना था, 6 फ्लैग्स उठाने थे और मेरी कैसी किस ढंग से फट रही थी बिकॉज आई लाइक पहला टास्क और हाइट वाला दे दिया है. बट इट वॉज लाइक आई मीन व्हाट अ गुड जर्नी एंड आई हैड एंड आई गॉट टू डू सो मच सो मेनी स्टंट्स. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. या एक्चुअली अभी मैं वही सोच रहा हूँ. हाँ काफ़ी बड़ी जर्नी है. हाँ कंटिन्यू सॉरी. क्या बहुत ज़्यादा बड़ी जर्नी है जैसे कि आपने कहा, क्या कुछ सीखा, क्या कुछ यू नो, क्योंकि अलग देश अलग लोग तो अलग अलग स्टंट्स, क्या कितना सीखा आपने इस जर्नी में? मैं ख्याल से एक तो मेरा ये पहली बार था कि मैं एक बाहर देश में इतने टाइम रहा विदाउट माय फैमिली या फिर विदाउट माय क्लोज फ्रेंड्स. सो मेरे लिए वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. आई मेट लॉट ऑफ पीपल. स्पैनिश क्रू बहुत ही अमेजिंग थी वहाँ पे. और सो इन द सेम टाइम आपको स्टंट्स करने मिलता था, एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती थी रोज़. सो इतने सारे एनिमल्स देखे हम लोगों ने, इतने सारे को छुआ, मुँह से टच किया. सो आई मीन इट वॉज अमेजिंग. एंड वन थिंग दैट आई हैव लर्न दैट इज़ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इफ़ यू लाइक. या वो क्या कोट है ना, आई एम पॉसिबल ऑल्सो से इम्पॉसिबल ऑल्सो से इज आई एम पॉसिबल. सो या आई मीन एंड दैट हैज़ ट्रूली इन ट्रू सेंस वो खतरों के खिलाड़ी ने वो सीख दी है कि आप होता है ना कि आप एब्जॉर्ब करते हो किसी कोट को एंड आप सोचते हो एक अलग बात होती है, बट वेन यू फील इट एंड वेन यू आर लिविंग दैट थिंग यू अंडरस्टैंड कि हाँ ये कर सकते हैं अपन. सो वैसा होता है. दैट इज़ समथिंग दैट खतरों के खिलाड़ी हैज़ रियली मेड मी अंडरस्टैंड. और कितने दोस्त बनाए, मतलब हम देख रहे थे ऋत्विक और रवि बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा थे, कितने दोस्त बनाए, मतलब ऑफ स्क्रीन कितनी मस्ती होती थी. सारे सब जन ही दोस्त है. इट वॉज लाइक अ फैमिली ओनली, एक्सटेंडेड फैमिली. सो एक दूसरे की टांग हमेशा खींचते थे, वो ज़्यादा खींचते थे. मैं कम खींचता था तो ऐसा रहता था. बट या मीन ऑल ऑफ अस हैड आवर ओन डेज. सो एक दूसरे की टांग बहुत खींचते, मज़े बहुत करते थे, डांस करते थे साथ में. एक दो बार हमने जैम सेशन किया गाने का, आधे जन फटी आवाज में गाते हैं बट जो दो तीन सिंगर है जो है वो गाते हैं, लाइक मोनिका शिबानी एंड हीना दीदी, दीज गाइज अ सिंगर. सो लोग गाते हैं प्रॉपरली. इवन ऋतिक भाई गिटार बजाते हैं. सो आई मीन हम लोग का जैम सेशन चलता था तो बहुत मज़े किए हम लोगों ने. आपकी हमने देखा था गुड बॉय इमेज बनी थी यू नो पूरे शो के. तो होस्ट रोहित सर ने कुछ कहा, आप जीते तब ट्रॉफी हाथ में आई तब. उन्होंने बस यही कहा कि यू डिजर्व इट है. और वो भी बहुत ज़्यादा ऐसा बोलते नहीं हैं. सर भी कुछ बहुत नहीं बोलते हैं. सो या आई मीन द वे ही सेड इट दैट मेड अ डिफरेंस कि कॉन्ग्रेचुलेशन एंड यू डिजर्व दैट. सो लाइक ओके फाइन सर, थैंक यू. शांति ने ये जो विनर नाम अनाउंस हुआ उसके पहले बहुत सारे यूमर्स थे कि यू नो हीना खान जीतेगी ये हो, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था तब और आपको लगा था कि हीना विल विन द शो? मेरे दिमाग में ऐसा कुछ चल नहीं रहा था बिकॉज वो रूमर्स ही थे. मुझे पता था कि रिजल्ट्स अनाउंस हुए नहीं हैं. बट एट द सेम टाइम विल से कि आई डिडंट एक्सपेक्ट मी, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं जीतूंगा. सो वैसा था कि नॉट बिकॉज आई डिडंट परफॉर्म द स्टंट वेल, बट आई जस्ट फेल्ट कि होता ना कि बिकॉज आप ज़्यादा एक्सपेक्ट किसी चीज़ को करते हो ना तो आपको होट भी उतना ही होता है. सो आई वॉज लाइक कि मैंने अपना स्टंट कर दिया है, मे द बेस्ट पर्सन विन. सो दैट वॉज अबाउट इट. आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मुझे जितना बिकॉज मैं तो कर दिया ना, स्टंट तो हो चुका है. एंड इट वाज लाइक अप्रोक्सीमेटली अ मंथ बैक. सो लाइक कि और मुझे हाँ जो होगा वो होगा, अपना बेस्ट दे दिया बस, दैट्स अबाउट इट. लास्ट मैसेज टू द फैंस आउट देयर जो बहुत ही ज़्यादा खुश है आपके हाथ में ये ट्रॉफी देख. या मैम थैंक यू गाइज, थैंक यू. मैं भी उतना ही खुश हूँ जितना आप खुश हो. एंड समवेयर डाउन आई फील आप लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें. सो थैंक यू बिकॉज विदाउट योर सपोर्ट एंड लव एंड
everything that you guys always do for me, this would have not been possible. And थैंक यू. आप मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैंने आपको एक अलग ढंग से एंटरटेन किया इस शो में. एंड आप लोग ने सराहा. एंड या मीन आई विश एंड आई होप टू डू द सेम, कंटिन्यू टू डू द सेम. जाते जाते कोई विनिंग स्टेप होगा शांतनु, दिखाना चाहेंगे प्लीज़.